बंधहु गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मुरी मय चूरण चारु, समन सकल भवरुज परिवार। गोस्वामी जी अपने सद्गुरु महाराज की वंदना करते हुए कह रहे हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि अर्थात सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल अर्थात संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुणगन बस करनी। सद्गुरु महाराज के चरणों का वह रज सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शिर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघरही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझही राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खान।
उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, ऐसे ही श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैरामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी ने अपने गुरु की वंदना की और भगवान के सुंदर चरित्र का आरंभ किया। ये वो वंदना है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने सद्गुरु भगवान के चरणों की वंदना चौपाई में कर रहे हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय त्रिगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनहु राम चरित भव मोचन। उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में पहले अपने सद्गुरु महाराज की स्तुति की, चरणों की वंदना की। सद्गुरु के चरणों में बैठकर जो अंतःकरण के कपाट खुले उसका सुंदर वर्णन इस चौपाइयों में गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। कहा है, संतों का यही अनुभव रहा है। गुरु परंपरा से सब सत्पात्रों ने अपने सदगुरु के सानिध्य में बैठकर वो ज्ञान खजाना पाया है और जगत को भी बांटा है। उन्हीं गुरु परंपरा में पूज्य बापू जी साई लीला शाह जी का प्रसाद आज भी बांट रहे हैं, हम सबको नवनिहाल कर रहे हैं, हम सब पर अपनी करुणा कृपा बरसा रहे हैं। ऐसे करुणावंत सदगुरु भगवान अहितु की करुणा कृपा करके हम सबको सानिध्य दे रहे हैं, हम सबको अपने नजदीक बुलाकर अपना बनाकर अपने आश्रय में रखकर हम सबकी संभाल कर रहे हैं, हम सबकी त्रुटियों को भी क्षमा करते हुए वे हमें नित्य निरंतर नूतन ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे महिमावंत सद्गुरु भगवान के चरणों में हम अपना सब कुछ क्यों ना न्योछावर करें, क्योंकि जो कुछ हम सब अपना मान रखते हैं वास्तव में तो वो कुछ अपना होता भी नहीं, वह तो मिथ्या हम सबका भ्रम ही है। ये घर मेरा, ये संसार मेरा, ये धन मेरा, ये शरीर मेरा, मेरा 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 कहते मृत्यु आती है और यह सब मेरा मेरा यहीं का यहीं रह जाता है। ये जीवात्मा अकेले ही सब छोड़ इस लोक से प्रयाण कर जाता है और परलोक में उसे सद्गुरु के सिवा कोई साथी नहीं होता। जन्मों जन्मों से हम सबको तारने वाले
अपार उतारण हार हैं तो बस एक सदगुरु आए। हम सब अपने समर्थ सदगुरु के चरणों में बड़े भाव से श्रद्धा से मानसिक रूप से श्री चरणों में पहुंचकर श्री चरणों का पूजन करें।